अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी के साथ मैं आप लोगों के सामने आई हूँ वो है क्रिस्पी चिकन विंग्स। ये एक बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत अच्छी बनती है। इसके लिए आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इसके लिए मैंने चिकन विंग्स लिए हैं तकरीबन आधा किलो। ये देखिए चिकन विंग्स होते हैं इस तरह से, आपको बने बनाए मिल जाएंगे। ये मैंने तकरीबन आधा किलो चिकन विंग्स जितने इसमें आए मैंने लिए हैं। उसके अलावा मैदा मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून, बेसन लिया है 2 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर लिया है 2 टेबल स्पून और 2 अदर अंडे मैंने लिए हैं। और जो स्पाइसेस है उसमें मैंने लिया है नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और चीनी ली है 1/2 टीस्पून। सिरका मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबल स्पून और ये है हमारे पास ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स आपको जितने ज़रूरत हों इसको डिप करने के लिए हमें चाहिए होंगे। मैंने तकरीबन यहाँ पे 2 कप जो है ब्रेड क्रम्स लिए हैं और कुकिंग ऑयल आपको चाहिए होगा फ्राई करने के लिए। अब आपने करना ये है कि आप एक बोल लीजिए और उसके अंदर जो चिकन विंग्स हैं वो तमाम चिकन विंग्स जो हैं वो डाल दीजिए। और इसके अंदर आपने सबसे पहले डालना है जो है यहाँ पे बेसन। ये आपने बेसन पूरा इसमें डाल देना है और इसके अलावा जो है यहाँ पे ये आपने कॉर्नफ्लोर ये आपने डाल देना है इसके अंदर पूरा। और इसके अलावा जो है आपने इसके अंदर वो डाल देना है अंडा। 2 अंडे जो मैंने लिए थे इन्हें फेंट के रखा है। और जो सिरका है ये आपने इसके अंदर डाल देना है। और जो स्पाइसेस थे नमक काली मिर्च और चीनी इसके अंदर डाल देना है। और एंड में जो है इसके अंदर मैंने मैदा नहीं डाला है, मैदा इसके अंदर आप डाल देंगे, मैदा भी तमाम इसमें डाल देना। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, तमाम मिक्सचर इसके अंदर मिक्स हो गया है चिकन विंग्स के अंदर। अब इसको आप 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ दीजिए। इसको फ्रिज के अंदर रख दीजिए ढक के 2 घंटे के लिए, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। अब आपने करना ये है कि जो चिकन विंग्स आपने ये इस तरह से मैरिनेट करके रखी हैं इनको आपने ब्रेड क्रम्स में डालना है। ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरह से कवर करके इसको तलना शुरू करना है। मीडियम आंच पे तलना आप शुरू करेंगे। जब तक तलेंगे जब तक ये चिकन विंग जो है वो थोड़ी टेंडर नहीं हो जाती, थोड़ी नरम नहीं हो जाती। अब आपने करना ये है कि देखिए चिकन विंग मैंने उठाई है, इसको मैंने ब्रेड क्रम में अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। इस तरह से मैं इसके ऊपर ये डालूंगी, इस तरह से इसको आपने अच्छे तरीके से कवर कर लेना है कि ये ब्रेड क्रम में अच्छे तरीके से कोट हो जाए और फिर इसको आप जो है वो तलना शुरू करेंगे। ये देखिए ब्रेड क्रम में मैंने करके रख दिए हैं विंग्स। अब मैं इनको एक एक करके फ्राई करना शुरू करूँगी। ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ, देखिए फ्राई होना शुरू हो गए हैं। इसको मीडियम आँच पर आपने फ्राई करने रख देना है। इतना फ्राई करना है तकरीबन 1 मिनट तक कि ये जो है वो अच्छा सा गल जाए। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, जब 1 मिनट हो जाए तो इसको आपने टर्न करना है, लेकिन चेक करेंगे कि ये जो है वो टूटने ना लगे। इसलिए जब आपको लगे कि एक तरफ से फ्राई हो गया फिर आप इसे टर्न करेंगे। 1 मिनट तक मैंने अभी इसे चेक किया है, ये अभी हुआ नहीं है एक साइड भी, तो इसलिए मैं इसे अभी यहीं छोड़ दूँगी। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, अब 3 मिनट मुझे हो गए हैं तो मैं इसको अब टर्न करके देखती हूँ। देखिए एक साइड इसकी पक चुकी है, मैंने इसे टर्न कर दिया है। 3 मिनट के बाद मैंने इसे टर्न कर दिया है, अब दूसरी साइड इसकी पक जो है वो पकेगी। इसी तरह दरमियानी आँच से मज़ीद 3 मिनट और तकरीबन 6 से 10 मिनट तक ये फ्राई होगा, अच्छे तरीके से गल जाएगा और फिर आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये देखिए ये फाइनल शक्ल आ गई है विंग्स की, आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हैं, कितने यम्मी ये लग रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।